हाँ जी, सारे का की हाल चाल है। होप तुसी सारे ठीक होवोंगे। तो मैं हूँ आपकी होस्ट और भंकू के लिए घोस्ट, उसके 25 चैनलों को करने आई हूँ रोस्ट। तो ये आज एक डायलॉग मेरे माइंड में आया, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को सुना दूँ। तो आज बात करते हैं, वैसे तो हमने लाइव ज्वाइन किया था अनु जी का, बहुत सारी बातें हमने करी वहाँ पे शेयर। तो सबसे पहले तो थैंक यू अनु जी, आपकी ये शीरा बोला था आपने, शीरा बेसन का शीरा, इसकी रेसिपी के लिए बड़ी मस्त और बड़ी टेस्टी लगती है अनु जी, मैंने पहली बार बनाई जिंदगी में। तो उसके बाद आते हैं भंकू पे, है ना। सबसे पहले तो कल इसने कितना रो रखा था, सेकंड संडे सेकंड संडे सेकंड संडे, माँ की शादी सेकंड संडे को, बहन की बारात सेकंड संडे को निकाल रहा है। मतलब अपनी माँ बहन इसने एक कर दी सेकंड संडे बोल के। बिल्कुल हिजड़ा लग रहा था, जैसे नाचते हैं ना वो, बस वैसे ही इसका मुंह नाच रहा था सेकंड संडे करके। और कल के व्लॉग में और आज के व्लॉग में इसका बूथा देखना आप, बांदर मुहा। जैसे किरण बोलती है इसको बांदर मुहा, सच्ची बांदर मुहा शक्ल देखो इसकी। और इसके चेहरे को जरा अच्छे से नोटिस करो कि 1% भी नहीं लगता कि इसको कोई मतलब इंटरेस्ट है बच्चे से मिलने का। इसको बच्चे से मिलने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इसको बच्चा यूज करने में बहुत इंटरेस्ट है। एक तो वाईटी के लिए बच्चा 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 लोगों को दिखाने के लिए, और दूसरा ये बच्चे को यूज कर रहा है प्रीति को फोर्स करने के लिए कि प्रीति इसको डाइवोर्स दे दे, इसलिए बच्चा बच्चा कर रहा है। और इसने कल लगा रखा था मिलाया नहीं मिलाया नहीं मिलाया नहीं। तो आप ये देखो कि आज हेयरिंग थी जो भी थी, तो उन्होंने चलो लेट हो गए होंगे, तो नॉर्मल है। ये खुद भी तो उस दिन कितना लेट हुआ था, कह रहा उस दिन 20 मिनट के लिए मिला, वो भी तो आधे रास्ते से मिलाने के लिए आए ना, इसको रुके ना इसके लिए। तो आज उन्होंने भी बोल दिया कि नहीं चलो, हो सकता है इनके इन फ्यूचर 10-15 दिन का कोई उनका प्लान हो, कहीं आना हो जाना हो, तो उन्होंने बोल दिया होगा कि भाई आज अगर यहाँ तक हेयरिंग तक आया है तो चलो मिल ले बच्चे से। शायद इसका व्लॉग भी देखा हो कि बड़ा रो रहा है सेकंड संडे करके, तो चलो मिला देते हैं, उन्होंने मिला दिया। लेकिन इस बंदे की इंटेंशन देखो, गाड़ी में बैठ के इसको यही था कि नहीं ना भी मिलाए तो कोई चक्कर नहीं, आज नहीं तो फिर मिल लूंगा, तब मिल लूंगा, अब मिल लूंगा, ऐसे कर लूंगा। भाई सब कुछ तेरे अकॉर्डिंग होगा क्या? पहले तो एक दिन अपनी बहन के साथ खे खा रहा था, उस दिन वो लड़की तैयार बैठी थी मिलने के लिए, फोन की वेट कर रही थी, तो तूने बोल दिया मैं बिजी हूं। तू बिजी हो सकता है तो क्या बात है, दूसरा कोई बंदा बिजी नहीं हो सकता? या तू बड़ा है फन्ने खा के, तू तेरी चलेगी दूसरे बंदे की नहीं चलेगी? है तू अपने आप को समझता क्या है भिखारी? ये जो जितनी भी तेरी औकात बना दी है ना गाड़ियों में, जो तू झूठे ले रहा है आज, ये सिर्फ प्रीति की वजह से है। तेरी अपनी औकात कोई नहीं थी, भीख भी मांगता ना सड़क पे बैठ के 10 साल, तो तू गाड़ी नहीं ले सकता था। ये वाईटी तुझे भीख में मिला प्रीति की तरफ से, और उसी भीख पे तू पल रहा है। तेरी माँ फैल रही है, तेरी बहन फैल रही है, उसी भीख पे वही प्रीति का तुम गूं खा रहे हो तीनों मिलके। अब तो तेरी बहन का पूरा आगे आने वाला खानदान भी वही खा रहा है, और तू जो खानदान आगे बनाएगा वो भी यही प्रीति का गूं खाएगा, भीख खाओगे तुम लोग प्रीति की। फिर मेरी बातें बड़ी चुभती है, अरे हो तुम गंद खानी औलाद, तू औलाद ही गंद खानी है, और तेरी माँ भी आगे गंद ही खा रही है, फैली पड़ी है। शर्म नहीं आती? लोगों की माओ को तू गालियां निकलवाता है, लोगों की तू गंदे कमेंट करवाता है, तू प्रीति की माँ को तू गंदे कमेंट करवाता है, उसकी बहन को तू गंदे कमेंट करवाता है, उसके जीजे को तू गंदे कमेंट करवाता है, और तेरी सो कोल्ड सपोर्टर्स जिनकी गंदगी पूरी वाईटी पे उनकी नीलामी हुई है तेरी सपोर्टरों की, कितना गंद बोलती है, और क्या गंदे रिलेशन है उनके तेरे साथ। क्या तुम लोग पर्दे के पीछे तुम लोग एक दूसरे के साथ कौन सा रोल प्ले करते हो, सारा खुल गया है, हैं तेरे सपोर्टरों का। वही गंदगी तेरी तेरे घर में चलती होगी, उनसे तू बुलवाता है कि उनकी माँ की कोई इज्जत नहीं है, हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। हम भी तेरी माँ की रिस्पेक्ट नहीं करते भाई, हाँ हम भी प्रीति का सपोर्टर है, हम तेरी माँ की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते जो, लेकिन फिर भी हम जितना गंद वो बोलती है ना, उतना गंद हमने तेरी माँ को नहीं बोला, लेकिन अब मैं बोलूंगी। हैं सबसे फिर गंदी जड़ होती है ना, जो गंदी जड़, पेड़ गंदा कब होता है, जब उसके उसका बीज गंदा हो, उसकी जड़ गंदी हो। तेरी तो फिर तेरी माँ जड़ है, तो तेरी माँ ही गंदी है, तभी तू ऐसा गंदा निकला। तू तो है ही फिर एक गंदी औलाद, दोनों भाई बहन हो ही तुम गंदी औलादे।
एहसान कर रहा है प्रीति के भी मैं बच्चों को मिलने आ गया, फिर तू ना जाता इतना ही था तो फिर बोल देता कि नहीं आज मैं नहीं आ सकता, फिर जब भी तुम्हारा टाइम होगा तब मिल लूंगा या नेक्स्ट मंथ के सेकंड संडे को मिल लूंगा। बोले कि वो ना होप नहीं थी लेकिन ऐसा हो गया। होप तुझे तेरे कारनामे ही ऐसे है कि तुझे होप करने की जरूरत ही नहीं। तू पहले ये बता, अब तुझे मेरा बच्चा याद हो रहा है, तू वाइटी का पैसा अपनी बहन के पिछवाड़े में और अपनी माँ के पिछवाड़े में देता है या वो तेरी बोतलों में जाता है? उस बच्चे को तूने आज तक 3 सालों में क्या दिया तूने उसके लिए? उसके बर्थडे पे तू 2-4 लाख रुपया कमाता है उसका नाम ले लेके, उसमें से 5-10 हजार रुपया अगर उसको गिफ्ट्स पे या वैसे, वो भी तुम वाईटी पे शो करने के लिए। अगर वाईटी पे शो ना करना हो तो तू एक फूटी कौड़ी ना दे। अरे शर्म नहीं आई तुझको, तेरी माँ को, तुमको शर्म नहीं आई? अब मेरा एक वर्ड बोलने को दिल करता है लेकिन कंट्रोवर्सी हो जाएगी, वो वर्ड मैं यहाँ बोल नहीं सकती। भिखारी चांदी की चैन देके बादशाह बना फिरता है आजकल तो, चांदी की चैन क्या बोलूं चांदी की चैन आजकल कौन देता है बशर्मो? या तेरी माँ ने कोई चाला काला जादू करवा के दी है? तेरी माँ को आदत है ना पंडितों से कुछ ना कुछ, वो जो पंडित कम वो तुम्हारा काला जादू करने वाला वो ज्यादा है, या उससे कोई मंत्र पढ़वा के दी है तेरी माँ ने? मैं तो कहती हूँ प्रीति अच्छी हो तो अपने बच्चे को कभी भी ना पहनाए तेरी माँ की दी हुई चांदी की चैन। पता नहीं क्या करवाया होगा उस पे, क्या मंत्र पढ़वाए होंगे उस पे, गलत मंत्र। मैं वो मंत्रों की बात नहीं कर रही, मैं ये काले जादू वाले मंत्र जो इसकी माँ जैसे तेरी दोबारा प्रीति से शादी करवाने का नाटक किया था ना इसने, ऐसा ही कोई नाटक कर दिया होगा उस पे भी। ये तुम लोगों की औकात है। कमाता तो प्रीति के और बच्चे के नाम से लाखों है, देते समय तुझको मौत पर पड़ती है। बच्चा पैदा करने समय तो तूने गवर्नमेंट से परमिशन नहीं थी ली, अब खर्चे के लिए तू बोल रहा है लीगली मेंटेनेंस लग जाएगा दूंगा। जो प्रीति का तू गूं खा रहा है 3 साल से वाईटी पे, अपने में तुझमें है क्या? पर्सनैलिटी तेरी नहीं है कोई, टैलेंट तुझमें नहीं है कोई। जनानियों से भी बदतर तू व्लॉगिंग करता है, तेरे को तो जैसे लड़कियां व्लॉगिंग करती है तेरे को तो वैसे भी नहीं आती, ना तू बंदा ना तू जनानी, तू तो बीच का ही रह गया रे, तू तो बीच का ही रह गया। और मुझे पता चला है किसी कमेंट से, कह रहा है जो मुझको ऐसा बोलते हैं ना मुझे चेक कर ले, तो भाई चेक करा अपनी माँ को और बहन को, बंकू चेक करवा, नंगा होके खड़ा हो जाए उनके सामने, या फिर प्रैक्टिकल भी इनको करके कर, उनके ऊपर प्रैक्टिकल कर। तेरी जुबान बहुत गंदी खुलती है ना, तो भाई हमारी तुझसे भी ज्यादा गंदी खुल सकती है। वो तो हम तुझ पे एहसान ही कर रहे थे कि कंट्रोल में रह के बोल रही हूं मैं, वरना मुझे अच्छी तरह से झाड़ना आता है, अच्छी तरह से, हाँ अच्छी तरह से झाड़ना आता है। और तुझको तो मैं झाड़ सकती हूँ, तेरे तो कारनामे सारे मुझे पता है। तो बता चेक किस दिन कराएगा माँ को और बहन को पहले, बाकियों तक तो फिर पहुंचना, बात तो तेरे घर से शुरू हुई है ना। लाइव आएगा, लाइव आके चेक कराएगा माँ को और बहन को अपनी पर्सनैलिटी के क्या है तू, प्रैक्टिकल करके बताएगा उनको कि तू मर्द है। चल भाई बुला ले बहन को घर, बुला ले, माँ तो घर में ही रहती है, बुला ले, कर प्रैक्टिकल पहले दोनों पे, क्योंकि सबसे पहले ये वर्ड तुझे उन्हीं दोनों ने बोले थे। हिजड़ा हिजड़ा बोलती थी ना तुझको, हिजड़ा कंट्रोल जनाना, ये 3 वर्ड तेरी बहन और तेरी माँ तुझको बोलती थी। तो चल फिर चेक करा दोनों को, दोनों ही चेक करके वाईटी पे बता दे, बहुत है, किसी और को बताने की जरूरत ही नहीं है। हमारी तरफ से प्रैक्टिकल करो, हमारी तरफ से जैसे मर्जी करो, चेक करवा अपनी माँ बहन को। फिर बोलेगा गंदगी बोलते हो, मेरी माँ को हरास कर दिया, मेरे बाप को हरास कर दिया, मेरी बहन को हरास कर दिया, उसको कर दिया, और तुम जो गंद खिला रहा है कुत्ते, तू जो गंद खिला रहा है, तू इतने गंदे गंदे इतनी, अरे बद्दुआएं देने को तो हम भी बद्दुआएं दे सकते हैं। तू ऐसे ऐसे अपने जो तूने भाड़े के टट्टू छोड़े हुए हैं तूने गंदे गंदे कमेंट करने के लिए, तो तेरी बहन का भी चैनल है मत भूल। मैंने तो उसपे ऑडियो ही, मैंने तो उसका सेकंड पार्ट लाया ही नहीं जब तेरी बहन चली गई थी 3 मंथ, पता नहीं किस आकाश किसके साथ खे खा के आई थी। क्या करा के आई थी पता है ना, क्या करा के आई थी? फिर छुपाते फिरते थे लोगों से शादी से पहले ही, फिर उसका अबॉर्शन करवाया तुम लोगों ने, क्यों चुना?
क्यों इसने फिर इस पंकु से शादी की? पहले तो इसके बड़े बड़े सपने थे, इसको तो लड़का हाई फाई चाहिए था, इसको तो लड़का गुड लुकिंग चाहिए था, इसको तो लड़का अमीर भी चाहिए था। लोमड़ी की खुद की शक्ल तो किसी लायक है नहीं, लेकिन लड़के इसको बड़े चाहिए थे, हाई फाई। लेकिन दो चार लड़कों के साथ घूम फिर के छुट्टियां प्लान करके आई, एक लड़के के साथ तो ये घूमने भी गई अकेली, और ये चौथे वाला जिसके साथ 3 महीने रह के आई है, उसकी क्या क्लैरिफिकेशन देगा तू? है तू लोगों पे बात करता है, तेरे को हजम नहीं हो रहा, तेरे को नहीं हजम हो रहा तो भाई फिर सुन, मैं तो अब ऑडियो डालूंगी, मैं तो फिर तेरी अच्छे तरह से आड़े हाथों लूंगी तुझको। तू कर ले जो तूने साइबर क्राइम में जाना है, जो तूने, तेरे को लगता है कि मैं तेरे साइबर क्राइम से डर गई? अरे मेरे को तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, मेरे को तो अच्छा खासा, मैं लाइव ज्वाइन कर लेती हूँ, अन्नू जी का सारी बातें वहां कर लेती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तेरे को डोज दोनों तरफ से देना पड़ेगा। अब तो मैं हफ्ते में एक दो ऑडियो भी डालूंगी। और हाँ गाइस, मेरी ऑडियंस, आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगी, जो इसकी बहन 3 महीने रह के आई है ना, मुंह काला करा के आई है उस लड़के के साथ, प्रेग्नेंट करके उसने छोड़ दी, उसने भी इससे शादी नहीं करी, फिर जाके कहीं इसने फिर पंकु को ही मुंह लगाया, अबॉर्शन करा के फिर पंकु से बात की है और फिर पंकु से शादी की है। रेंत खूंत उत्तरन, इतनी बड़ी झूठन है इसकी बहन, पता नहीं किस किसने मुंह लगा के, किस किसने किसके साथ खे खा के गंद करके इसने फिर जाके चौथा पांचवा पंकु पकड़ा इसने, फिर उससे शादी की। बांदर मुही ने, ये बांदर मुंह है, वो बांदर मुही है, गंदी शक्ल वाली। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि शीरा पी के थोड़ी सी ताकत आई, तो मुझे लगा छोटी सी ऑडियो मुझको भी डाल देनी चाहिए, कंटिन्यू करना शुरू करूं मैं भी। मैं लाइव ज्वाइन क्या करने लग गई, मैंने ऑडियो डालनी छोड़ दी, इसको लगा कि पता नहीं क्या मेरे से डर गई। तू कर जहां साइबर क्राइम पहुंचना है, जहां तुझको पहुंचना है पहुंच, हमारे पास भी उनके लिए बहुत कुछ है, फिर हम भी उनको बहुत कुछ, तेरा क्राइम तो ऐसा ऐसा दिखाएंगे कि फिर देख लेना कहीं उल्टा ही ना फंस जाए तो इसमें, डरते डरते हम है नहीं। तू कर ले जो करना है, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, आई डोंट केयर कि तू क्या करता है, तू क्या करेगा, क्योंकि मुझे पता है तेरे गुर्दे में दम नहीं है, तेरे गुर्दे में दम नहीं है, तू सिर्फ वो कुत्ता है जो भौंक सकता है, काट नहीं सकता। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में यार। तो जो मुझको सुनते हैं, जिनको वेट थी उनको ऑडियो मिल जाएगा, एंड अगर कोई गलती हुई तो मेरी ऑडियंस से मैं माफ़ी मांग लूँगी, बाकियों का मुझको घंटा फर्क नहीं पड़ता, किसी को बुरा लगता है या क्या लगता है, आई डोंट केयर, डोंट केयर। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ऑडियो में, सॉरी, और लाइव पे तो डेली मिलते ही मिलते हैं। बाय बाय।